अंजुना बीच गोवा प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श विकल्प है, जो नए साल और क्रिसमस के दौरान पूर्णिमा पार्टियों का आनंद लेना पसंद करते हैं। इस दिन पर्यटक जादुई आकर्षण, बिखेरते चमकदार पूर्णिमा के चंद्रमा और उनके पैरों को छूती हुई नरम झागदार लहरों के आनंददायक माहौल में खुद को तरोताजा कर लेते हैं। इसलिए यदि आप परिदृश्यों की वास्तविकता, सुंदरता, लग्जरी आवास, एकांत, नाइट लाइफ, पार्टियां, विश्वसनीय समुद्री भोजन और आकर्षक खरीदारी के अवसरों का अनुभव करना चाहते हैं, तो अंजुना बीच छुट्टियों की योजना बनाएं और इसे युगों के लिए अपना सबसे अच्छा अवकाश अनुभव बनाएं। भैया कहाँ से आए हो? हम आए हैं चांद से। चांद से? चांद से। अभी तो हमारा आप लोग वहाँ पहुँच सकते हो तो हम पृथ्वी पे क्यों नहीं पहुँच सकते? बिल्कुल पहुँच सकते हो। गोवा बहुत बढ़िया। ब्रो अब ले लिए हमने स्कूटी रेड कलर वाली। यश दीप जादव उनको पसंद आई है रेड वाली और एक हमको ये मिली है। स्कूटी लेने से पहले इसकी अच्छे से वीडियो बना ले ताकि इसमें जो भी स्क्रैच है आपके फोन में सेव हो जाए, जब आप इसको जमा कराओ तो आप बता सकते हो। तो यहाँ पे चेकिंग करने के लिए पुलिस वाले खड़े रहते हैं, तो आपके पास यहाँ पे लाइसेंस वगैरह होना चाहिए अगर आप स्कूटी वगैरह चला रहे हो तो, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। मैं क्या है घर से अपना चश्मा लाना भूल गया था, तो अभी हमने चश्मा लिया है। सबसे पहले यहाँ बहुत ज़रूरत है क्योंकि आंखों पे बहुत ज़्यादा धूप लगती है और अभी हम पानी में जाएंगे तो वहाँ भी हमको बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए हमने पहले ही चश्मा ले लिया है। अच्छा लग रहा है भाई। कैसा गया दीपक भाई? यार दीपक तूने चश्मे की याद नहीं दिलाई मेरे को घर पे है चश्मे की। अगर आपको राह चलते ऐसे कुछ युवक मिले जो आपको रात में नाइट पार्टी और रशियन लड़कियों के लिए बात करे तो आप इनसे बहुत दूर रहे क्योंकि ये धोखेबाज होते हैं और आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं। तो अभी हम आए हैं पहले पेट्रोल गिरवाने स्कूटी में क्योंकि इतना ही पेट्रोल होता है कि आप पेट्रोल पंप तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेट्रोल गिरवा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का प्लान करते हैं। आप कौन से बीच पे हमको जाना है आपको जेक्सी नहीं चाहिए, उसके बाद में आपको पैरासेलिंग कर देगा। पैरासेलिंग कर दीजिए और उसके बाद जीप का जेक्सी कैंसिल करेगा। आपको पिकअप ड्रॉप रहेगा, ब्रेकफास्ट लंच रहेगा, एसी बस रहेगा, स्कूबा रहेगा। आप यदि स्कूबा 20 मिनट कर पाओ तो आपका पैकेज पूरी है। बिल्कुल नहीं कर पाया तो मुझे 1800 फुल पैकेज में चाहिए। 1800 का 1700 कर लो। 1700 भी नहीं, मेरे को 1800 ही चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर किसी हमारे फ्रेंड में से, हम चार में से कोई एक फ्रेंड या दो फ्रेंड ऐसा चाहते हैं कि उसको स्कूबा नहीं चाहिए तो आप कितना कम कर सकते हैं सर? स्कूबा का नहीं चाहिए तो उसका आपको मतलब बाकी तो सारा है ठीक है, स्कूबा नहीं चाहिए उसमें से स्कूबा का 250 माइनस होता है, 250 रुपये माइनस होगा बस। बस 250 आप ऐसा प्लस करोगे ऊपर का 250 ले रहे हो क्या? अभी खाना खाने के लिए रुके हम यहाँ पे विनायक फैमिली रेस्टोरेंट पे। अंजुना बीच ओजराइन के गहनों के लिए जाना जाता है। जब आप यहां मौजूद होते हैं तो आप दुनिया भर से आए पर्यटकों से मेल जोड़ बढ़ाना पसंद करते हैं। अंजुना बीच पर ट्रांस संगीत में अपने आप को मग्न होते हुए देखेंगे और समुद्र तट पर होने वाले साहसिक खेलों में भागीदारी बनकर आप लुत्फ उठा सकते हैं। इस तरह की गतिविधियां गोवा के अंजुना बीच को सबसे लोकप्रिय बनाती है। समंदर के किनारे बैठकर दूर दूर तक पानी का नज़ारा देखना आँखों और दिल को बड़ा सुकून देता है।
दिलो दिमाग में कई विचार लहरों की तरह उठते हैं और दिल के किनारों को छूकर वापस चले जाते हैं। सुबह शाम समंदर के किनारे बैठना बड़ा ही अच्छा लगता है। समंदर के किनारे पर नहाना भी बड़ा मजा देता है। बचपन की कई यादें ताज़ा हो जाती हैं। पता नहीं इस समंदर के किनारों में ऐसा क्या है जो सबके चेहरे पर खुशी बिखेर देता है और दिलों में सुकून भर देता है। समुद्र भी इंसान की तरह अपने अंदर लाखों करोड़ों रहस्य को लिए बैठा है। हेलो गाइस, हम आ चुके हैं अभी अंजुना बीच और यहाँ पे समुद्र की लहरें अठखेलिया खेल रही है। उसी के साथ हम भी थोड़ा आनंद ले रहे हैं और हमारे जो साथी हैं दीप जादौन वो अभी समुद्र को निहार रहे हैं। यार चीटिंग है, फोटो देखो यहाँ से लेनी चाहिए थी ना, वहाँ पीछे चला गया उसके। हाँ भाई थोड़ी अच्छी आ रही है फोटो वगैरह। अंजुना बीच समुद्र के किनारे अपनी छोटी चट्टानों के लिए जाना जाता है। बीच के आसपास के होटलों में रहने वाले पर्यटक अक्सर सुबह सुबह उगते हुए सूर्य को देखने के लिए जाते हैं। यदि आपके साथ बच्चे भी हैं तो आप उन पर विशेष रूप से नज़र रखें और उन्हें अपनी आंखों से ओझल न होने दें, अन्यथा अंजुना बीच की यात्रा आपके लिए परेशानी का सबक भी बन सकती है। अजनबी व्यक्तियों से खाने पीने के लिए कुछ न लें। आप अपने ग्रुप के साथ रहें या हमेशा अपने यात्रा गाइड के साथ रहें। इस समय नाइट का समय है, समुद्र काफ़ी उफान पे है और अभी हम इस समय हैं कैलंगुट बीच और दीप जादौन अभी समुद्र की लहरों को अपने पैरों के द्वारा एक छोटा शंख मिला है हमको। यार इसको यहीं छोड़ दे क्या, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा जब अगली बार ले लेंगे इसको। ले फेंक दे इसको, हाँ अगली बार नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना तो मिल जाएगा अपन को। पैक भैया कहाँ से आए हो? हाँ
हम आए हैं चांद से अभी तो हमारा आप लोग वहाँ पहुँच सकते हो तो हम पृथ्वी पे क्यों नहीं पहुँच सकते। बिल्कुल पहुँच सकते हो। लगा गोवा बहुत बढ़िया जगह है तो यहाँ पे बहुत अच्छा है तो हम मैट्रिक्स का लुक ले लिए है। तो हमने सोचा एलियन का तो चार पैर होता है, आपका तो दो ही है। देखो भैया तीन होगा। अरे एलियन भैया कहाँ जा रहे हो? ये चांद तो नहीं, सामने समुद्र है। समुद्र में हमारा बोट खड़ा है, बोट वो चांद पे लेके जाएगा। ठीक है जाइएगा। बाय बाय। ओके बाय बाय। थोड़ा चाय वाय पैक करवा दे रास्ते के लिए।